ये जो वीडियो है ये नए यूट्यूबर्स के लिए जिनके 0, 10, 20, 50, 100, 200 इस प्रकार के सब्सक्राइबर है। तो अब क्या करना है, हमें इसका कुछ तरीका बदलना है, क्योंकि ऑडियंस इससे पहले भी कई वीडियो देखकर आई होगी, उस पर भी उसे जानकारी नहीं मिली होगी। हमें अपनी ओपनिंग करने का तरीका बदलना है। ओपनिंग यदि आप सही तरीके से करेंगे तो आपकी वीडियो पर व्यूज भी बढ़ जाएंगे। ओपनिंग कैसे करते हैं जरा देख लीजिए। सबसे पहले जो नए यूट्यूबर होते हैं वो किस प्रकार ओपनिंग देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अजय है, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पर 90% जो यूट्यूबर होते हैं वो इसी प्रकार ओपनिंग देते हैं। इसी प्रकार की ओपनिंग देने के कारण आधे से जो व्यूअर होते हैं वो 30 सेकंड के अंदर भाग जाते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि जो लोग होते हैं उनकी एवरेज थिंकिंग होती है 0.8 पर सेकेंड। तो दोस्तों, इसी कारण यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है। अपनी इसी मिस्टेक को सुधारना है, जिसके कारण व्यूज भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो ओपनिंग कैसे दें, सीधे यदि वीडियो के कंटेंट पर बात करेंगे, वीडियो के बारे में बात करेंगे तो सुनने वाले को मजा आएगा आपकी वीडियो को पर बना रहेगा, 30 सेकंड से ज़्यादा बना रहेगा। आप 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर तक आप उसके बारे में बताएंगे, स्टार्टिंग से ही आपकी वीडियो उतनी ही देर प्ले करके रखेगा। आपको आपके चैनल का नाम बताने की, आपका नाम बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि बार बार आप सब्सक्राइबर बटन लगाएंगे, बार बार लाइक्स बताएंगे, बार बार उसको याद दिलाएंगे कि उसे चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, तो वो आपकी इस बात से भी परेशान हो जाएगा। दोस्तों, यूट्यूबर को कब सब्सक्राइब करना है, कब लाइक करना है, ये उसे पहले से पता होता है। यदि आपकी वीडियो उसे पसंद आएगी तभी वो उसे लाइक करेगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अन्यथा सब्सक्राइब नहीं करेगा। सब्सक्राइब करने का इतना सा फंडा होता है कि आपने यदि पहली वीडियो अच्छी बनाई है वो देखकर जाएगा, दोबारा रिटर्न आएगा, तब अगली वीडियो पर आपको सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों, कई सारे यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पर गारंटी ले रहे हैं कि ये सेटिंग करने से इतने सारे व्यू आ जाएंगे, ये सेटिंग कर लो इतने सारे सब्सक्राइबर आ जाएंगे, ये ट्रिक अपनाओ, वो ट्रिक अपनाओ। तो दोस्तों, आप किसी ट्रिक में ना लगें, क्योंकि कोई भी ट्रिक इस प्रकार YouTube पर काम नहीं करती है। YouTube का एनालिसिस बहुत ही बड़ा है। YouTube इतने सारे यूट्यूबर्स को अकेले ही एक सॉफ्टवेयर के जरिए मैनेज कर रहा है, तो सोचिए कि इसमें कितने ज़्यादा जो है रिस्क हो सकता है, आपका YouTube चैनल हमेशा के लिए बेकार हो सकता है। तो इस प्रकार की कोई भी ट्रिक्स और किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन का यूज़ करने से बचें, ये बिल्कुल एकदम गलत तरीका है। और जो यूट्यूबर्स 100% यहाँ तक कि 200% तक की गारंटी ले रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन और उनकी सेटिंग्स करने के बाद भी ये परेशानी ख़त्म नहीं होती है। वो सिर्फ अपना वॉच टाइम बढ़ा रहे हैं, अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के अट्रैक्टिव थंबनेल बनाकर क्या करते हैं, उनकी वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, लोग उन्हें भर भर कर सब्सक्राइबर भी दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन सभी लोगों को इससे फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की कोई भी जो ट्रिक्स होती है, एप्लीकेशंस होती है, उनका यूज़ करने से हमेशा बचना चाहिए, तभी आपका एक यूट्यूब चैनल जो है सक्सेसफुल चैनल बन पाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।